गले में शिव शंभु के विराजे नाग, अपने फन पर रखे हैं पृथ्वी को, ऐसे हैं शक्तिशाली देवता हमारे नाग, इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अद्भुत संयोग नाग पंचमी में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूं तो सावन के पावन महीने में हर दिन भक्त भक्ति में लीन होते हैं, पर शिव भक्तों के बीच नाग पंचमी का बेहद महत्व होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, साथ ही इस दिन शेष नाग की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित हैं और इन्हीं का महत्व बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आज नाग पंचमी है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का बेहद महत्व होता है, तो सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगी और यही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नाग पंचमी का महत्व क्या होता है, क्यों इसे मनाया जाता है। बहुत सुंदर प्रश्न है और आज का दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है जी। और सबसे बड़ी बात, आज सोमवार भी है जी। और आप देखिए कि लगभग 126 सालों के बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी अर्थात पंचमी का त्यौहार सोमवार के दिन पड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, सोमवार भगवान शिव को वैसे भी बहुत पसंद है जी। और हम जानते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है और मस्तक पर चंद्रमा होने के चलते सोमवार अर्थात सोम का दिन, चंद्र का दिन उनको वैसे भी बहुत पसंद है जी। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में नाग हमेशा विराजमान रहते हैं। देखिए, उसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमने हमारी प्रकृति की तो पूजा की ही की, साथ में प्रकृति में जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जो उपयोगी जानवर हैं हमने उनकी भी पूजा अर्चना की। और आप देखिए, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जानवर है सर्प अर्थात नाग। नाग का जो तात्पर्य होता है या सर्प का जो तात्पर्य होता है, जो अपना सारा काम एक बार में बिना किसी परेशानी के करता हो और जो जिसको छेड़े बिना वो प्रकृति में अपनी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से निभाता हो, तो ऐसे उसको जानवर को हम नाग कहते हैं। सर्प, हमेशा लोग सर्प और नाग से भयभीत बने रहते हैं, परंतु हमारी कृषि, चूंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कृषि में नाग यानी सर्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी खेत खलिहान होते हैं वहाँ पर चूहे और दूसरे प्रजाति के जो जानवर हैं जो हमारी कृषि को लगातार नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि नाग का काम क्या होता है कि ये जो चूहे होते हैं और जो दीगर किस्म के जानवर होते हैं जो हमारी कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं उसको खाने का काम करते हैं, अर्थात हमको लगातार हमारी कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, देखिए, सर्प यानी नाग जिसके गले में विष की ग्रंथि होती है जी। हम उसकी तुलना भी कई मामलों में कुंडलनी शक्ति से जोड़कर करते हैं। देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र होता है और वहाँ मूलाधार चक्र में जो शक्ति होती है वो सर्प के आकार की होती है जो कि 7 कुंडलियाँ मारकर हमारे मूलाधार चक्र में बैठा होता है। जिस समय हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है अर्थात वो शक्ति मूलाधार चक्र से निकलकर सहस्रार चक्र अर्थात हमारे मस्तक पर स्थित जो 7वां चक्र है वहाँ तक पहुँचती है, तो हम मानकर चलते हैं कि जातक की स्थिति ईश्वर के समान होती है, अर्थात वो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को बहुत आसानी से देख पाता है। तो आप देखिए कि सर्प पूजा भी उसी कुंडलिनी शक्ति का एक दूसरा स्वरूप है। और आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पर गले में नाग विराजमान होता है, या भगवान के जहां पर भी शिवलिंग होता है वहां पर आपने देखा होगा दो चीजें हमेशा महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती हैं, एक तो बैल होता है और दूसरा नाग होता है। उनके गर्दन में हमेशा लिपटा होता है, 7 फन मारे लिपटा होता है जो कुंडलिनी शक्ति का एक प्रतीक होता है। परंतु हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की विधि मानी गई है, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जिनके चलते आज का दिन
खास तौर से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि नागपंचमी सोमवार को पड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का हो गया है क्योंकि सोमवार के साथ नागपंचमी पड़ी है। मैं जानना चाहूंगी किस तरीके के संयोग निर्मित हो रहे हैं और इससे क्या लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत सुंदर सी बात है। देखिए, नागपंचमी आज श्रावण मास के सोमवार के दिन पर पड़ी है, क्योंकि अमूमन नागपंचमी आती ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को है, लेकिन बहुत सालों बाद, लगभग 126 साल के बाद एक बार पुनः इस प्रकार का संयोग बना है। देखिए, आज बहुत सुंदर सा योग है, आज हस्त नक्षत्र होता है। सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र का पढ़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हस्त नक्षत्र बुध का जो स्वामित्व वाला जो नक्षत्र होता है उसको हम हस्त नक्षत्र कहते हैं। और आप देखेंगे कि आज के दिन यदि आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान, गले में विराजमान सर्प की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। बुध जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वाणी का देवता है, बुध जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे जीवन में यश, मान सम्मान और सुख देने का काम करता है, तो आप देखिए कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और आप देखिए कि चूंकि नागपंचमी को सबसे ज्यादा सर्प योग से जोड़कर भी देखा जाता है, काल सर्प जिसकी बात की जाती है, काल सर्प योग की बात की जाती है, तो उससे भी उसको जोड़कर देखा जाता है। तो आज के दिन, नागपंचमी के दिन, बहुत सुंदर से योग बने हुए हैं। और आप भी अपने घर से निकलें, यदि आपको कोई जीवित सर्प मिलता है, ऐसा कोई सपेरा मिलता है जिसके पास नाग हो, तो आप जरूर आज के दिन पूजा करें। सर्प को लेकर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, नागपंचमी पे सर्प को दूध ही नहीं पिलाया जाता, अपितु सर्प को दूध से स्नान भी कराया जाता है। तो आज केवल आप उसको दूध पिलाने तक ही सीमित ना रखें, आज के दिन आप जीवित सर्प पे या शिवलिंग पे चढ़े हुए सर्प पर नाग को दूध और दही घी पंचामृत से आप उसका अभिषेक भी कराएं। अभिषेक कराने के बाद थोड़ा सा दूध उसको पिलाएं, क्योंकि वो दूध पीता है, तो आप थोड़ा सा दूध पिलाएं। ऐसा नहीं कि आप उस पर अति करें, कोशिश करें सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही पूजा करने का प्रयास करें, मुझे लगता है इससे आपको बेहद लाभ होगा। पंडित जी, आपने काल्प सर्प दोष की बात की, जिन जातकों की राशि में काल्प सर्प दोष होता है उन्हें किस तरह से नागपंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए ताकि इस दोष के असर थोड़े से कम हो सके। बिल्कुल, मैं आपको बतलाना चाहूंगा जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या सर्प दोष होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बतलाना चाहूंगा काल सर्प दोष या सर्प दोष होता क्या है। कुंडली में जब भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ जाते हैं, अर्थात 9 ग्रह में से 7 ग्रह जब भी बैठते हैं राहु और केतु के बीच में, तो उसको पूर्ण काल सर्प योग कहा जाता है। और यदि उनमें से कुछ ग्रह बाहर हो जाएं राहु और केतु के बीच में हो, तो उसको अर्ध काल सर्प योग कहा जाता है। हालांकि काल सर्प योग 5,045 प्रकार का होता है, अर्थात बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसमें बनते हैं, तो उस प्रकार से काल सर्प योग होता है। अब जिनकी कुंडली में काल सर्प योग या काल सर्प दोष दोनों पाए जाते हैं, तो उनके जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, परेशान लगातार बने रहते हैं, या बहुत सारे लोग अपने जीवन में उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन सारे लोगों को आज पूजा करना चाहिए। क्या करें, आज भगवान शिव के ऊपर चांदी का नाग चढ़ाएं। चांदी का नाग नहीं चढ़ा सकते, आप पीतल का नाग चढ़ा सकते हैं। पीतल का ना हो, तांबे का चढ़ा दीजिए, कांसे का नाग चढ़ा दीजिए, लेकिन आज भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर नाग चढ़ाया जाता है। यदि आप ये भी नहीं कर पाए, तो आप एक काम अवश्य करिएगा कि आप मिट्टी का नाग भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जीवन में आज के दिन खास तौर से धन नहीं होता, वो मिट्टी का सर्प बनाकर भी उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। देखिए, आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बात ये होती है कि आज के दिन भूमि से मिट्टी नहीं निकाली जाती। ऐसा माना जाता है कि भूमि में नाग का निवास होता है, तो आज मिट्टी नहीं खोदी जाती, आज खास तौर से मिट्टी की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमको जब भी हम पूजा अर्चना करें तो कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर चलें। क्या लेकर चलें? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये हम हमेशा अपने साथ रखें। थोड़े से पुष्प रखें, और
खास तौर से चूंकि सर्प की पूजा हो रही है तो सर्प की पूजा के लिए हमको एक श्रीफल यानी एक नारियल हमेशा चढ़ाया जाता है, तो नारियल आप अवश्य चढ़ाइएगा, थोड़े से श्वेत पुष्प रखिएगा और नाग आपको मिले तो आप थोड़ा सा सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर यदि पंचोपचार से स्नान कराना हो संभव हो तो कराएं, और उसके बाद एक श्रीफल जो आप उनके निमित्त लेकर आए हैं वो आप चढ़ाएं, और एक कटोरी में आप कटोरी इस प्रकार की लें, चाहे मिट्टी की हो या चांदी की हो जो भी हो, तो उसमें सर्प को दुग्ध पिलाएं और दुग्ध पिलाने के बाद उनकी आरती करें। तो आज के दिन यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो मुझे लगता है कि काल सर्प दोष और काल सर्प योग जिनकी कुंडली में है जिसके चलते वो परेशान हैं उससे उनको निजात अवश्य मिलेगी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी थी आपने दर्शकों को कि जिन जातकों की राशि में कालसर्प दोष है वो इस नाग पंचमी में क्या कर सकते हैं जिनसे उनकी राशि में ये दोष खत्म हो जाए या इसके प्रभाव कम हो जाए। पंडित जी नाग पंचमी पे देखा जाए तो नाग नागिन के जोड़ों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर नाग नागिन को जोड़ों में एक साथ पूजने से क्या फायदा मिलता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब भी हम जोड़े में पूजा करते हैं नाग और नागिन की तो माना जाता है कि वो ईश्वर के तुल्य हैं, उनको शिव और पार्वती के स्वरूप में भी हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो नागों की माता थी वो और नागों के जो जहाँ से नागवंश शुरू हुआ हम मान के चलते हैं शेष नाग या तक्षक नाग, तो उनके स्वरूप में नागों की माता और नागों के जो पिता हैं उन आदि स्वरूप में हैं, उनकी उस स्वरूप में यदि हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं खासतौर से सर्प दोष या काल सर्प दोष से जुड़ी हुई उन सारी समस्याओं से हमको निजात अवश्य मिलता है। जी पंडित जी ये तो बात हो गई कि आपने बताया कि किस तरह से नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करने से भक्तों को लाभ मिल सकता है, लेकिन नाग पंचमी के दिन कई लोग व्रत भी करते हैं, पूजा अर्चना करके दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। आपसे पूजन विधि और व्रत विधि जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज के दिन जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार के दोष होते हैं या जो लोग विधि पूर्वक नाग पंचमी को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रातःकाल आप व्रत का पारण करें, आप किसी भी शिव के जो शिवालय है जहां पर भगवान शिव के गर्दन में नाग बैठा हुआ है तो आप वहां पर जाएं, व्रत का पारायण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज के दिन हमारे जीवन से किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उस परेशानियों से हमको मुक्ति दिलाएं और इस हेतु हम आज आपके लिए व्रत का पारायण करेंगे, तो प्रातःकाल से इस व्रत को करें। ध्यान रखिए कि हमको सायंकाल तक कुछ भी नहीं खाना है जी। तो आप पूजा अर्चना करें, फिर एक पूजा की थाली में आप दूध दही घी शहद शक्कर रोली चावल आप सब रख लें और किसी भी कहीं आपको जीवित सर्प मिले, कोई सपेरा सर्प को लेकर यदि चल रहा है तो आप उसके पास जाकर पूजा अर्चना करें। हालांकि इस दौरान जो है सर्प को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जाती क्योंकि आज उन्हीं का दिन कुल मिलाकर माना जाता है, तो आज के दिन आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं और उसके उपरांत भगवान शिव के मंदिर आप अवश्य जाइए। भगवान शिव का भी आज पंचोपचार, चूंकि आज श्रावण का मास भी है तो भगवान शिव का भी आज पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना की जाती है, तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप दूध दही घी शहद शक्कर पंचोपचार से आप अभिषेक करें, भगवान को आप चावल या हलवे का भोग लगाइए, खासतौर से आज दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना विशेष तौर पर शुभ माना जाता है जी। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन एक शहर है और वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है जो कि वर्ष में एक बार खुलता है जी। तो यदि जो लोग वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर पाएँ तो अवश्य वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ तक जाना संभव नहीं है तो आप ये मानते हुए कि आज नागचंद्रेश्वर आपके घर पधारे हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना करके उनको मना लीजिए, मुझे लगता है कि
कि आपकी मनोकामना नाग देवता अवश्य पूर्ण करेंगे। पंडित जी, आपने बताया कि आप मंदिर जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं और घर पर भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अगर घर पर कोई लोग नाग पंचमी की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनको अपने घर पर यदि पूजा करनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अमूमन घर पे नाग पंचमी की पूजा नहीं की जाती है। कोशिश करें शिवालय में जाएं, शिवालय ना हो कोई बात नहीं, घर में भगवान शिव हैं तो आप पंचोपचार से अभिषेक करें। जब पंचोपचार से आप अभिषेक करें तो सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो नाग बैठा हुआ है, आप उस नाग की पूजा सबसे पहले करें, अर्थात आपको सबसे पहले उसकी पूजा करना है। थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा दही चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा घी चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप उसको शक्कर चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसका उसको स्नान कराकर शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करिए और फिर नाग देवता की जो कहानी है, जो बहुत सुंदर कथा है, आप उस कथा को भगवान शिव के शिवलिंग के सामने अवश्य सुनाइए और उस कथा को सुनाने के बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद भोग लगाइए, परंतु जो भोग आपने लगाया है उसको आप खुद ग्रहण नहीं करिए। ऐसा माना जाता है कि उन शिव का लगा हुआ भोग, उसमें थोड़ा सा विष का तत्व आ जाता है, तो आप उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह गड्ढे में आप प्रवाहित करिए जहां पर उसको कोई जानवर ना खाए। तो आप इस प्रकार से करिए, मुझे लगता है कि ईश्वर और नाग देवता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पंडित जी, आपने भोग की बात की, आपसे जानना चाहेंगे भोग स्वरूप भगवान शिव और नाग देवता को क्या लगाना चाहिए? देखिए, आज के दिन दूध का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास का दिन है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा का दिन है और हम मानते हैं कि मन पर विजय पाने के लिए आपको श्वेत रंग की चीजों का भोग लगाना चाहिए, अर्थात दूध, दही, दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं, खीर है, दूध है, इसका आप भोग लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। पंडित जी, ये तो बात हो गई पूजन विधि की। अगर कोई मंदिर जाके पूजा अर्चना करता है तो उसे क्या करना चाहिए और अगर घर पर रहकर वो नाग पंचमी के दिन पूजा करना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? पर नाग पंचमी के लिए कहा जाता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो आपको करने से परहेज करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या चीजें हैं जो नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। देखिए, नाग पंचमी के दिन सबसे पहले तो आप किसी भी जीव जंतु या जानवर, जो खासतौर से सर्प की बात है कि आज के दिन, एक तो चूंकि सर्प मिट्टी में निवास करते हैं तो आज के दिन खेत नहीं खोदा जाता, खेत खोदने से बचना चाहिए क्योंकि वहां उनका निवास होता है। आज के दिन दूसरा तवा या कड़ाही नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि लोहे की चीजें हैं। तो आज के दिन यदि आपको घर में भोग बनाना है तो आपको उनसे बचने की आवश्यकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। तो आप जितना भी उस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे अवश्य लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन रुद्र अभिषेक किया जाए तो उससे विशेष महत्व मिलता है। इस दौरान अगर कोई भक्त रुद्र अभिषेक करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, रुद्र अभिषेक करना है तो आपको, मैं आपको तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आप भगवान शिव का जो रुद्र अभिषेक, जिसको हम रुद्री भी कहा जाता है, तो आप चाहें तो संपूर्ण रुद्री से आप अभिषेक कर लें, या उसमें एक छोटा सा अध्याय है जिसको हम लघु रुद्री भी कहते हैं, तो आप लघु रुद्री से अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप वो भी नहीं कर पाए तो भगवान शिव को जो सबसे ज्यादा पसंद है, शिव महिम्न स्तोत्र, तो आप शिव महिम्न स्तोत्र से भी भगवान शिव के का अभिषेक कर सकते हैं। और यदि आप वो भी ना कर पाए तो आप सिंपल दूध और गंगाजल मिलाकर, या आप उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आज आप अभिषेक करते हैं तो मुझे लगता है उससे आपको कई गुना लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, जब हम रुद्र अभिषेक करें या अभिषेक करें, इस दौरान कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन दो प्रमुख मंत्र हैं जिनका उच्चारण सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहला मंत्र तो है ओम नमः शिवाय, जो कि पंचाक्षरी मंत्र है, उसका प्रयोग होता है।
दूसरा मृत्युंजय मंत्र जो साधारण मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ओम हौं जूं सः ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम हौं जूं सः। ये महामृत्युंजय मंत्र 54 अक्षरों का जो कि संपूर्ण मंत्र है, यदि आप इससे अभिषेक करते हैं तो मुझे लगता है लाभ होगा। परंतु जब भी आप अभिषेक करें इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप आप अवश्य करें। और एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा, चूंकि आज नाग पंचमी है तो नाग पंचमी पर पंचमुखी रुद्राक्ष की यदि आपके पास माला है तो आज भगवान शिव पर उस माला को आप अवश्य चढ़ाइए। पंचमुखी रुद्राक्ष ही यदि केवल आपको मिलता है तो उसको भी चढ़ाइए और उसको बाद में अपने गले में काले या लाल धागे में आप उसको ग्रहण करिए, उससे भी आपको बेहद लाभ मिलेगा। पंडित जी आपने पंचमुखी रुद्राक्ष की बात की, कई लोगों को ये नहीं पता रहता कि पंचमुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या रहते हैं और इन्हें भगवान पर अगर हम चढ़ाते हैं तो इससे क्या लाभ हमें मिल सकता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दें। देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष अर्थात रुद्राक्ष के ऊपर जब पांच धारियां पाई जाती हैं तो उसको हम पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं। देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष पंचमी से जुड़ा हुआ था अर्थात जिसके पांच मुख होते हैं, पंचमी को हम लगभग संपूर्ण सा मानते हैं कि यदि आपने कोई भी काम पांच बार कर लिया तो ईश्वर आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं। तो उस पंचमी को का प्रतिनिधित्व यदि किसी रुद्राक्ष के द्वारा किया जाता है तो वो रुद्राक्ष होता है पांचमुखी रुद्राक्ष। देखिए पांचमुखी रुद्राक्ष का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो हम उसको गुरु ग्रह से भी जोड़कर देखते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में जो विद्या और बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते वो यदि पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं बहुत लाभ मिलता है। पांचमुखी रुद्राक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में लगातार परेशानियाँ बाधाएँ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं लगातार परेशान होते रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। परंतु पंचमुखी रुद्राक्ष को ग्रहण करने के लिए आपको पहले उसको जागृत करने की आवश्यकता है अर्थात आप जो पंचाक्षरी मंत्र है पांच अक्षरों का मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका उसके ऊपर कम से कम 1.25 लाख जाप करें और उसके बाद 1.25 लाख जाप करने के उपरांत दशांश माने लगभग 11,000 मंत्रों से हवन करें, उसके दशांश से आप तर्पण करें और उसके दशांश से आप मार्जन करें, उसके बाद उसको आप कहें कि हे प्रभु हे पंचमुखी रुद्राक्ष हम आपको ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसको आप ग्रहण करें और ये जो आपका हृदय होता है बिल्कुल यहाँ तक उसको आप लटका कर रखें। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं उनके जीवन में उनको हृदय दौर्बल्यता कभी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट की परेशानियाँ नहीं होती। और पंचमुखी रुद्राक्ष हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर, जो हमारे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं उससे भी उसको दूर करने में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित जी बहुत सटीक और बहुत अच्छी जानकारी आपने सभी दर्शकों को दी पंचमुखी रुद्राक्ष को लेकर और इसे पहनने से क्या लाभ होता है ये भी आपने बताया। मैं जानना चाहूंगी नाग देवता की पूजा करना या नाग पंचमी के दिन अगर हम नाग देवता की पूजा करते हैं तो कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिनसे निजात पाई जा सकती है। आपने पहले कालसर्प दोष के बारे में भी दर्शकों को बताया, लेकिन और कौन से दोष होते हैं या जिन जातकों की राशि में दिक्कतें आ रही हैं वो नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं तो क्या लाभ मिल सकता है। देखिए नाग पंचमी के दिन मूलतः चूंकि कालसर्प दोष और सर्प दोष से मुक्ति की तो हम बात करते हैं, लेकिन आज के दिन यदि हम पूजा करते हैं तो राहु और केतु जो कि हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले ग्रह हैं उनसे भी हमको शांति मिलती है अर्थात वो भी कहीं ना कहीं शांत होते हैं। क्योंकि माना जाता है कि राहु जो है वो नाक का मुख है और केतु जो है उसकी पूँछ है, तो यदि आप आज के दिन नाग पंचमी के दिन आप पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे ज़्यादा कुंडली में राहु और केतु जो कि लगातार आपको परेशान कर रहे होते हैं उन ग्रहों की कहीं ना कहीं शांति होती है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बतलाना चाहूँगा, राहु और केतु की शांति के लिए आप एक काम आज अवश्य करें, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आप थोड़ा सा तिल यदि दूध में डालकर आप तिल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और तिल के तेल का ही आज आप दीपक लगाते हैं और भगवान शिव की आरती आप उससे करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान शिव आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे।
पंडित जी, ये तो बात हो गई कि अगर आप नागपंचमी के दिन पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर राहु केतु के दोष हैं तो वो कम हो सकते हैं उनके प्रभाव। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागपंचमी, क्योंकि अद्भुत संयोग है, आपने शुरुआत में ही बताया सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ रही है, विशेष संयोग है आज के दिन में, कौन सी राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा? देखिए, हमेशा नाग पंचमी जो है वो कन्या राशि वाले दिन आती है। आज हस्त नक्षत्र है और जी चंद्रमा का गोचर आज कन्या राशि पे है, तो मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो आज इसका बड़ा शुभ परिणाम है। दूसरा, ये शुभ मेष राशि वाले जातकों के लिए है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए है, परंतु तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा कमजोर स्थिति निर्मित कराती है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी आज नागपंचमी शुभ नहीं मानी जाती। तो जो कुछ राशियां हैं, खासतौर से तुला है, कुंभ राशि है, तो इन राशि वाले जातकों को आज विशेष सावधानी बरतना चाहिए। कोशिश करें कि वो खेत खलियान में जाने से बचें, ऐसी जगह जाने से बचें जहां पर झाड़ियां हैं, जंगल है, जहां पर सर्प अमूमन पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि आज का दिन आपके लिए बेहतर ना हो। तो सबसे पहले आज आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद आप लें। जो सर्प उनके गले में बैठा हुआ है उसको आप दूर से प्रणाम अवश्य करें, और आप जो सर्प के मंत्र हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। आप जो है जो तक्षक नाग है, जो शेष नाग है, जो माना जाता है कि आज उनका दिन होता है, तो आप उनको प्रणाम करें। मंत्र नहीं भी आते तो भगवान शिव के मंत्र का आप जाप करें। मंत्र बहुत साधारण है, ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का लगातार उच्चारण करें, मुझे लगता है कि आपके लिए ये नागपंचमी काफ़ी बेहतर अवश्य सिद्ध होगी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी कि किन राशि के जातकों पर इस नागपंचमी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किन के लिए ये नागपंचमी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, पर वो भी कुछ उपाय करके इसे अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी सभी दर्शकों को दी। हम आशा करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।